हेलो आदि, कुछ पता चला है? राम, प्रिया बेकरी में नहीं है, थोड़ी देर पहले ही निकल गई और बता के भी नहीं गई है कहाँ जा रही है। वो ऑफिस भी नहीं पहुंची है यार। हेलो तरुण, प्रिया घर आई है? नहीं सर, प्रिया भाभी तो घर नहीं आई। घर नहीं आई? ओके। कहाँ हो तुम प्रिया? You can't shut me out like this, not this time. मैंने कहा था ना, मेरे होते तो कभी अकेली नहीं होगी, और आज तो सवाल ही नहीं है। कि तेरे जैसी बदमाश लड़कियों की शादियां नहीं हुआ करती, लड़कों को तेरे जैसी नक्सली लड़कियों की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी पहली लोड़ी के लिए निकले तो सही, लेकिन पहुंच नहीं पाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। आज राम नहीं बचेगा। तेरे पापा झूठे और मक्कार निकले, सब ऐसे नहीं होते मेरे बच्चे। राम ऐसे नहीं है। इसे लिपटना कहते हैं, दिस इज अ रियल हग। इसके पहले तुमने जो कुछ भी देखा ना, दैट वाज ये नहीं था, तो सिर्फ वही था। आपको बार बार मेरे हस्बैंड बन के मेरी तरफदारी करने का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, इट्स ओके। पर हूँ ना, हस्बैंड तो हूँ। अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकती तुम प्रिया, नो रोक टोक। हटिए हटिए प्लीज। क्या क्या ये ओके? ये ओके, सो सॉरी, मेरी गलती की। तुम ठीक हो ना? हाँ, हमारी मदद करते हैं आराम से। अरे आप लोग देख क्या रहे हैं, हटिए ना प्लीज, रास्ते में खड़े हैं हमारे। आप मुझे बिगाड़ रहे हैं मिस्टर कपूर, अपनी आदत लगा रहे हैं। क्या करूं मैं, अब तो मैं बिखर भी नहीं सकती। आप जो संभाल रहे हैं मुझे। ये तू क्या कर रही है शिवी, कहाँ जा रही है तू? और कहाँ जाऊंगी, अपने ससुराल जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला क्या? अकी ने कुछ बोला? हाँ, मैं अकी से बात करूंगी, तू डर मत। ओके, अकी ने तो कभी कुछ बोला ही नहीं। बट दैट डजंट मीन कि आप उसे और उसकी फैमिली को हमेशा इंसल्ट करते रहे। अकी इस घर में मेरी वजह से रुका था, और हम उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं? आज प्रिया दी की इतनी इंसल्ट। नो नो मॉम, आई एम डन विद ऑल दिस। एटलीस्ट उसके घर में मेरी ऐसी इंसल्ट तो नहीं होती। मैं छोटे से टॉयलेट साइज के कमरे में मैनेज कर लूंगी, बट यहाँ पे बकवास करने वालों के साथ मैं नहीं रह सकती मॉम। ओके, सुन 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 सुन, ऐसी अभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ओके, तू छोड़ 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 छोड़। रियली मॉम? यस। ये दिन भर रात भर हमेशा अकी को सुनाती रहती है, टॉन्ट्स मारती रहती है, ऐसे ऐसे ताने मारती है उसके काम को लेके। मामी, अब तो टीवी सीरियल्स में भी टॉन्ट्स चेंज हो चुके हैं, आप भी चेंज हो जाओ, अभी भी 1920 टाइप सी हो। मैं 1920 की मॉडल नहीं हूँ शिवी, मैं तो अभी भी जवान हूँ। आप प्लीज चुप बैठेंगी भाभी? सुन मेरी बात सुन, ओके? ये कुछ नहीं करेंगी, कोई ड्रामा नहीं करेंगी, भरोसा है ना मुझ पर? हाँ है ना मॉम? हाँ, आज मीरा बुआ और प्रिया दी की बहुत इंसल्ट हुई है। आपको पता है अकी ने मुझसे क्या पूछा? अगर मुझे और मेरी फैमिली को ऐसे इंसल्ट करते, ऐसी बातें सुनाते, वुड आई बी ओके विद इट? मॉम आप ही मुझे बताओ, शुड आई बी ओके विद इट?
मैं सब ठीक कर दूंगी, ओके? तू बस घर छोड़कर मत जा, भरोसा है ना तुझे मुझ पर? हाँ, मैं सब ठीक कर दूंगी, प्रॉमिस। ये नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। कैसे? मैं I knew it. आप कुछ नहीं कर सकते मॉम। नहीं मैं जस्ट फॉरगेट इट। अच्छा नहीं नहीं नहीं, तू बताना, तू बता, तू बता, तू तू क्या चाहती है? मैं जो तू कहेगी मैं करूंगी, बस घर छोड़कर मत जा, बस प्लीज तू बता क्या करूं। सॉरी। सॉरी? आज भी मीरा बुआ ने ही सॉरी बोला, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। गलती आप लोगों की है। तो क्या मुझसे सॉरी बुलवाएंगे? नहीं, मैं सॉरी बोलूंगी, मैं सॉरी बोल दूंगी उन्हें, ओके? देख, मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, प्लीज बस तुम घर छोड़कर मत जा शिवी, ओके? मैंने आज तक अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक सॉरी ही तो बोलना है। You can really do this. मैं अपने बच्चों के लिए सॉरी बोल दूंगी, बस तू घर छोड़ के मत जा शिवी, मुझे कभी छोड़ के मत जा शिवी, प्लीज प्रॉमिस 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 कर, प्लीज नहीं जाएगी ना? थैंक्स मॉम। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है प्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे आज झुकना पड़ रहा है, लेकिन याद रखना, मैं भले ही आज माफी मांग रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। आज से मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, वो पिटे मुंह, फिर मैं खाना कैसे खाऊंगी? ठीक है, इतनी छूट दी आपको। आए हाय, सारा दाना पानी मेरा ही उठना है क्या? उस प्रिया के बाप को तो सजा मिलनी चाहिए, उस महेंद्र सूद को। क्या कह रही हैं आप? सही तो कह रही है, मिलनी चाहिए उन्हें सजा, और मिलेगी भी। What, मामी, आपके लिए नो वाटर नो पानी, नथिंग, ओनली टेप। शिवी नहीं, लिसन शिवी, नहीं, यू आर इम्पॉसिबल। मैं जाता हूं। शिवी लिसन, शिवीना, मिस्टर कपूर, नाम मत लो, बात मत करो मुझसे, ओके? हाउ डेयर यू प्रिया, इतनी बड़ी बात हुई और तुमने मुझसे छुपाई। इसे फरेब नहीं कहते, धोखा नहीं कहते इसे। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। और मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हें लगा क्या इतना इतनी बड़ी चीज हो जाएगी और तुम ऐसे ही निकल लोगे? हाँ, कुछ होगा ही नहीं। और करूं या इतना बस था? क्या नहीं, मतलब और ताने मारूं या तुम बन जाऊं पूरा, या इतना काफी था? मिस्टर कपूर, अरे प्रिया, जब से तुम गाड़ी में बैठी हो ऐसा लग रहा है तुम्हारे चेहरे से कि तुम चाह रही हो कि मैं तुम्हें डांटूं, और अगर मैं नहीं डांटता तो तुम मुझे डांटती इस बात को लेके कि मैंने तुम्हें डांटा क्यों नहीं। तो इससे पहले कि तुम मुझे डांटती, मैंने सोचा मैं ही तुम्हें डांट देता हूँ। अब फीलिंग बेटर ना, हल्का फील कर रहे हो? ऐसे नहीं होता है, जिसकी गलती होती है उसे डांटा जाता है, सुनाया जाता है, कोसा जाता है, और मेरी गलती है तो आप प्लीज मुझे डांटिए, मुझसे मुझे बताइए कि आप नाराज हैं, प्लीज मुझ पे गुस्सा कीजिए, कीजिए ना मिस्टर कपूर। मैं इतनी अच्छाई डिजर्व नहीं करती हूँ, आप इतने अच्छे नहीं हो सकते मिस्टर कपूर, प्लीज मुझे डांटिए ना, मुझ पे गुस्सा कीजिए प्लीज मिस्टर कपूर। मुझे आ रहा है तुम बेबरिया, बेबरिया, बेबरिया। इतना स्ट्रेस तुमने अकेले क्यों लिया? मुझे अपनी तकलीफ में शामिल क्यों नहीं किया? इस काबिल क्यों नहीं समझा कि तुम मुझे ये बता सको? आ रहा है मुझे गुस्सा, लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि किसी को अपने पति से ये बात कहना कि उसके उसी के पिता ने उसकी जान लेने की कोशिश की है, ये बहुत मुश्किल होता है। ये सब मैं तुमसे इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं हीरो हूं या अपने आप को महान समझता हूं। इसकी समझ मुझे तुमसे आई है, हालातों को समझने की समझ, उसे गहराई से कैसे देखते हैं उसकी समझ, ये सब मैंने तुमसे सीखा है प्रिया, इसलिए मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए।
कि मैं समझता हूँ तुमने भी उसी रीजन से सच छुपाया जिस रीजन से मैंने तुमसे वेदिका के बारे में सच छुपाया। नहीं मिस्टर कपूर, दोनों बातें सेम नहीं है। यहाँ पर जान का खतरा था और वहां मेरी जान अटकी हुई थी। प्रेम, तुम अपने नजरिए से नहीं मेरे नजरिए से देखो, मैं डरा हुआ था प्रेम, अंजाम को सोच के सच कह ही नहीं पा रहा था मैं। प्रिया तुम मानो या ना मानो, हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए शायद इसी रीजन से परफेक्ट। आप ये सब मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, मैं तुमसे सिर्फ सच कह रहा हूं, और मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूं। मैंने भी तुमसे सच छुपाया है प्रिया। उस रात वेदिका ने मुझसे ये बात कही थी कि उसे लगता है कि हमें दोबारा एक दूसरे को एक और चांस देना चाहिए। इनफैक्ट उसने मुझे ये भी कन्विंस करने की कोशिश की कि हमारा रिश्ता सिर्फ शिवी और रकी की रिश्ते की वजह से टिका हुआ है। तुम सही कह रही थी प्रिया, तुमने कहा था कि उसे हेल्प की जरूरत है, उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, शी नीड्स अर्जेंट मेडिकल अटेंशन, और उस बात को मैं आज समझ पा रहा हूं। पर ये बातें आप अब मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे वेदिका की कोई वेदिका की बात नहीं है प्रिया, ये हमारी बात है, तुम्हारी और मेरी। शायद मैं ठीक तरीके से समझा नहीं पा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता इस मोड़ पर आज है तो उसके पीछे बहुत सारी वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे रिश्ते को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता शिवी और अखी के रिश्ते पे टिका हुआ नहीं है, वो अपने बलबूते पे खड़ा है और चले जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये जिंदगी भर ऐसे ही चले जाए। भैया जो हमारा रिश्ता है ना, मेरी नजरों में मेरी सच्चाई आज यही है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझसे क्या छुपाया क्या नहीं छुपाया, इट डजंट मैटर, क्योंकि आज के बाद मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच और कोई भी आए, कोई गलत फहमी नहीं, आज के बाद सिर्फ हम और तुम, तुम्हारी और मेरी बातें हों, हमारे किस्से, हमारे वाक्य, हमारी कहानी, राम और प्रिया की कहानी हो बस। प्रिया मुझे लगता है कि इस रिश्ते में चाहे कुछ और हो ना हो, आई रियली फील कि हमारे बीच कुछ तो है प्रिया। मैं जानता हूं कि तुम्हें ये प्यार व्यार, ये फीलिंग्स और ये सब ऊपरी लगती है, नकली लगती है, इनका कोई वजूद नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन मुझे लगता है हमारे बीच जो भी है ना, वो सच्चा है, गहरा है, बेमेल से लेकिन बेजोड़ है, जिसने सब सह लिया, वेदिका की हरकतें भी और तुम्हारे पिता की चाले भी। वेदिका आपका पास्ट आपकी एक्स है, उसे आप अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं, लेकिन महेंद्र सूद मेरे पिता है, और चाहकर भी ये सच्चाई में बदल नहीं सकती हूँ मिस्टर कपूर, बिल्कुल नहीं बदल सकती हूँ। और मुझे पता है कि वो मुझे कभी खुश नहीं देख सकते, और मैं डरती हूँ कि पता नहीं वो अगला कदम क्या उठाएंगे, किसे नुकसान पहुंचाएंगे, तो प्लीज आप उन्हें अरेस्ट करवा दीजिए। धमकाया था ना उन्होंने, तो है किसी को जेल में भेज देंगे। क्या दादी ने मुझे बताई बात, और इसीलिए तुमने मिस्टर सूद को जेल नहीं भेजा। प्रिया मैं ये सारी बातें भूलना चाहता हूं, पर मैं तुम पे कोई प्रेशर नहीं डालूंगा, और प्लीज ये बिल्कुल मत सोचना क्या मैं हीरो बन गया और तुम्हारा क्या होगा। अगर तुम्हें चाहिए तो एक सोल्यूशन है मेरे पास, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम ना वो कूपन्स कर लेते हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा अगले 3 महीने मुझे क्या चाहिए, तुम कर देना, तो फिर दोनों हीरो हीरोइन। मिस्टर कपूर, मुझे अभी आपसे कुछ और चाहिए। क्या? कुछ नहीं, किसी और दिन मांग लूंगी, आज
प्रिया, मैं डर गया था तुम्हें खोने से। मेरे साथ चलोगी? कहाँ? सॉरी मीरा जी, भाभी आप भी कुछ कहना चाहती थी ना? हाँ। नहीं नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया के पापा ने हरकत ही ऐसे की है कि कोई भी सुनाता हमें। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके किए की सजा प्रिया को मत दीजिएगा, उसका कोई कसूर नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं मीरा जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं वैसी औरत नहीं हूँ मीरा जी। सच ये है कि लोगों को लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। वीरेंद्र के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। राम है तो मेरा सौतेला बेटा ही ना, इसीलिए मैं कभी नहीं चाहती कि उसे ऐसा लगे कि मैं उसे निग्लेक्ट कर रही हूँ। यू नो, आखिर अब हम ही उसका परिवार है ना? जब मुझे पता चला कि राम को किसी ने हर्ट करने की कोशिश की, तो आई लॉस्ट इट एंड आई ओवर रिएक्टेड। आई एम ट्रैप्ड, रियली सॉरी। नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ, पर नंदिनी जी, आप राम अकेले नहीं हैं, आपका परिवार तो है ही, और ये परिवार भी तो उनका अपना है, और फिर प्रिया भी है उनके साथ। सच कहूँ तो राम मेरे दामाद से कहीं ज्यादा मेरे बेटे हैं। आई नो, पता है मुझे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपकी राम के साथ। लेकिन मीरा जी, मैं राम को किसी के साथ बांट नहीं सकती। क्या करूं, ओवर प्रोटेक्टिव पोजेसिव मदर हूं ना, तो बस वो पोजेसिवनेस निकल जाता है। लेकिन मैं खुश हूं मीरा जी की, वो कि उसे एक और फैमिली मिली है ना, हमारे अलावा आपकी फैमिली, और राम की खुशी में ही मेरी खुशी है। और राम की खुशी तो उसकी बहन शिवीना की खुशी में है, दोनों खुशियां जुड़ी हुई हैं, है ना? इसलिए आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूं। क्या अक्की हमारे यहाँ रह सकता है? जी जी, वो क्या है ना, इसे दूसरे वे में मत लीजिएगा मीरा जी, लेकिन शिवी को आपके घर में परेशानी हो रही है, वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट शिवी का है। वो ऐसे घराने में पैदा हुई है, पली बड़ी है, कि यहाँ उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अक्की और प्रिया हमारे घर में खुश रहेंगे। इनफैक्ट अक्की इतना खुददार लड़का है, उसने तो अपना काम भी शुरू कर दिया है, तो प्लीज मान जाइए ना मीरा जी, प्लीज। नन्नी जी, आप बार बार प्लीज मत बोलिए। मैं इतने पुराने ख्यालों की नहीं हूँ जो ये सोचे कि एक लड़के का घर ही एक लड़की का घर होता है। पर ये बात भी है कि आपका घर मेरी प्रिया का ससुराल है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं एक रिश्ते की वजह से दूसरा रिश्ता ना बिगड़ जाए, उसमें कुछ खटास ना आ जाए। नहीं, ऐसा क्यों होगा मीरा जी, आप राम को अपना बेटा मानती हैं, है ना? तो मैं क्यों अक्की को अपना बेटा नहीं मान सकती? मान सकती हूँ, है ना? ठीक है, अगर अक्की की खुशी वही है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। प्रिया मानती नहीं है, लेकिन मैं इस बात को मानती हूं कि जब भी कुछ अच्छा होने वाला हो तो बहुत तेज बारिश होती है। तुझे पता है मुझे बारिश इतनी क्यों पसंद है? इसमें किसी का दर्द, किसी का प्यार, किसी का मन और मन का गाना, सब कुछ बसा होता है। नफरत है मुझे बारिश से, बूंदों ने मुझे फिर से भिगो दिया। सॉरी सर। फायर्ड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.